बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज हम बैंगन का भरता बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बैंगन बैंगन को क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ऐसे मारेंगे ताकि थोड़ा सा नरमल। उसके बाद हम क्या करेंगे, तेल सरसों का तेल लेके इसको लगाएंगे ताकि जो छिल तब लगाते हैं ताकि जो छिलका उतर जाए पूरा आराम से। इसको अब आग पे जलाएंगे। चलो, ये हमारा भरता अब भून रहा है। ये देखो कैसे भून रहा है बैंगन। बस एक मिनट और पकाएंगे, फिर इसको हम इसका छिलका उतार लेंगे। उतनी देर हम क्या करते हैं, इसका मसाला तैयार कर देते हैं। गैस को ऑन करते हैं। इसमें डालते हैं रिफाइंड एक कड़छी, रिफाइंड डाला। उसके बाद डालेंगे हम लोग प्याज, दो कटे हुए प्याज, बारीक बारीक मोटे नहीं। ये हो गया, इसको पहले हम ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। इसमें साथ इसमें वो डाल देते हैं लौंग, ताकि इसकी खुशबू आए। इसका फ्लेवर भी बन जाएगा, रंग भी बन जाएगा। अब इसको ब्राउन करो। ये हमारा अब भुन गया। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है उतनी देर हम क्या करेंगे, इसका छिलका उतार लेते हैं। अब इसका तो पानी में डुबोगे ताकि जो ठंडा थोड़ा सा हो जाए। ये छिलका गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए पानी में डुबोते हैं। अब इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। सरसों का तेल तभी तो लगाते हैं। देखो अब हमने छिलका उतार लिया, उतार के जे भी हम उतार देंगे अभी जब डालेंगे। अब देखना इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं है, इसको खोल के अच्छी तरह देखो। तो केवल क्या होता है जो कीड़ा होता है, इसमें कीड़ा नहीं है। अब देखो नहीं है। अब इसको जो ऊपर से भी उतार लेंगे। जो तब नहीं उतारा था पहले, ताकि हाथ में डंडे पकड़ के देखें कि कीड़ा तो नहीं है, तभी नहीं उतारा। अब हम इसको उतार के इसको इधर रख देंगे और पानी में जाने देंगे। उसी देर हमारा जो प्याज रंग पकड़ लिया, ये लौंग है। अब हम देखो जी, अब हमारा ब्राउन हो गया, देखो रंग पकड़ लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टमाटर दो बड़े कटे हुए टमाटर, फिर टमाटर डालेंगे। एक तो रंग बनता है, दूसरा जो थोड़ा थोड़ा खटास पकड़ता है, स्वाद बनता है, फ्लेवर बदल जाता है। अब थोड़ा सा हम अदरक भी डाल देंगे। अब इसको फिर क्या करेंगे, जित होगा उतना ही भरता। देखो कैसे स्वाद बनता है। हमारा मिक्सचर मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार। गरम मसाला आधा चम्मच, हम हल्दी नहीं डालते कभी भरते में। हल्दी इसलिए नहीं डालते कि टमाटर का जो रंग छोड़ा हुआ होता है ना, वो खराब हो जाता है, टमाटर का अपना रंग निकलता है। अब इसमें डालेंगे हम मिर्च स्वाद के साथ। फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, भुना हुआ जीरा। देखो
अब देखो कितनी खुशबू आ रही है, देखो कैसे शक्ल है और कितनी खुशबू आ रही है। ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है ना, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें डालेंगे हम लोग भरता, कई क्या होते हैं बीज जो होते हैं ना पके होते हैं उसको तो निकाल लेते हैं, पर ये बीज जो है बीच में नरम है उसको हम नहीं निकालते। अब देखो अब इस भट्टे को हम अच्छे तरीके से मैश करेंगे इसको, ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। हमारा भट्टा अब तैयार हो गया, सारा मैश हो गया। अभी इसको हम एक दो मिनट में करेंगे बस। अब हमारा भट्टा देखो तैयार हो गया, देखो तेल छोड़ा, अब तैयार हुआ। अब हम इसको करते हैं इसके ऊपर डालेंगे धनिया, देखो हमारे को ये आपको धनिया कैसे लगा मेरा भरता, अच्छा लगा ना, कितनी खुशबू आ रही है ये देखो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बनाओगे ऐसे जैसे मैंने बनाया, आप बनाकर देखोगे कैसे लगता है और खा कर भी देखो कितना स्वाद आया है। आप दूसरों से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।